हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल DHM में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है उसके साथ लिंक करा सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि 20 जुलाई के अंदर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और अपना मोबाइल नंबर APDCL के वेबसाइट में जाकर आपको लिंक कराना पड़ेगा। नहीं, वीडियो को पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी एक ब्राउजर में जाना पड़ेगा, क्रोम या यूसी मिनी ब्राउजर, और वहाँ पे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा APDCL। सर्च करने के बाद आपका सामने ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा http://www.apdcl.org। उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपका सामने ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा, वहाँ पे जाके आपको देखने को मिलेगा अपडेट योर मोबाइल नंबर। अपडेट योर मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक इंटरफेस नज़र आएगा, वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर है उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर डालने के बाद आपको इस रो पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपका सामने जो जिनका नाम से कनेक्शन लिया हुआ है उनका नाम यहाँ पे शो होगा, कनेक्शन टाइप भी शो होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं। मैंने पूरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया और आधार नंबर भी डाल दिया, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लिया, ईमेल आईडी भी डाल दिया। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना पड़ेगा। OTP को डालने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कंज्यूमर मोबाइल नंबर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।